किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज जो है वीडियो है स्वराज 843 XM की और ये ट्रैक्टर जो है 3 स्टार 4x4 के साथ में आया है और ट्रैक्टर आप देख सकते हैं 7 फीट का रोटावेटर कितना जबरदस्त तरीके से खींच रहा है। इसमें जो है 50 HP 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन दिया है कंपनी ने, बहुत ही ज़बरदस्त। और देख सकते हैं रूटर इसने पूरा ज़मीन में धांस दिया। भैया रोक लो एक बार, न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल रोक दो, न्यूट्रल कर लो भाइयों। ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे एक बार। किसान भाइयों ट्रैक्टर जो है 50 HP 3 सिलेंडर है, जैसे कि आपको सभी को मालूम है। अब बात करेंगे इसके टायर की। अगले टायर जो हैं इसके 8/3/20 के हैं और पिछले टायर इसमें जो हैं कंपनी ने 13/6/28 के दिए हैं। साइड में बैटरी इसकी आती है, मरघाड जो हैं इसके काफ़ी बेहतरीन है। आगे की सो जो है इसकी बहुत ही अच्छी है और स्टिकर वगैरह XM सीरीज का ये ट्रैक्टर है। इसमें एक XT आता है, एक FE आता है, 3 सीरीज हैं ये स्वराज का जो है। यहाँ पे ये देख सकते हैं नाम भी बहुत प्यारा लगाया कंपनी ने। अगला हिस्सा आप देख सकते हैं ये जो एक्सल हैं इसके, ये भी बहुत ही अच्छे दमदार हैवी ड्यूटी लगाए हुए हैं। ट्रैक्टर जो है पावर स्टीयरिंग में आता है और भाइयों इसमें जो है 3 सिलेंडर बोश का इनलाइन पंप लगा हुआ है, जो अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। उच्च पायदान के साथ में ट्रैक्टर आता है और इसमें यहाँ पे जो है वाटर सेपरेटर भी कंपनी ने इसका अलग से दिया हुआ है। प्री फिल्टर माइक्रो फिल्टर वो अलग ही आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका एयर क्लीनर आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा और अच्छा है। इसमें जो है लगभग यहाँ तक ऑयल आता है और इसके बाद में ऊपर इसमें जाली होती है, इसके बाद में एक इसमें ड्राई फिल्टर भी दिया हुआ होता है। तो 3 स्टेज जो होता है ये जो है सफाई करता है, जिससे इंजन में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई गंदगी धूल के कण कुछ ही नहीं जा पाते। ये आप देख सकते हैं अभी का मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर है ये बिल्कुल। और ये डुअल क्लच, डबल और डुअल दोनों माना जाएगा इसमें जो है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैर का क्लच जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसका जो ये जो है PTO का क्लच, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपको PTO चलानी है तो आपका इस पैर से के क्लच से कोई मतलब नहीं है, आप इसे ऐसे करोगे और ये धीरे धीरे पीछे कर दोगे तो ये आपकी PTO एकदम रनिंग हो जाएगी। यहाँ इसे निकाल लोगे तो ये मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। ये इसमें जो है साइड में है, जैसे कछुआ हो गया तो इसका मतलब ये लो है, और खरगोश हो गया तो इसकी चाल जो है हाई हो जाएगी, लो हाई। और ये नीचे जो लीवर दिया हुआ है ये 4x4 है, ऊपर करोगे 4x4 हो जाएगा, नीचे करोगे तो ये भाइयों जब इसे ऊपर खींचेंगे 4x4 लीवर काम करेगा, नीचे करेंगे फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। और एक गियर जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ये देख सकते हैं, ये 4 गियर हैं इसमें, लो हाई करके डबल हो जाते हैं। ये यहाँ पर जो है इसके पैर रखने के जो बूथ फुट पैडल दिए हुए हैं, ये साइड में शीशा दिया हुआ है और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे हम, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लिफ्ट कैपेसिटी होती है, चौड़े मरघाड़ है। और एक बार मैं ट्रैक्टर की आपको आवाज़ और सुनवा देता हूँ, आवाज़ देखो ट्रैक्टर की कितनी शानदार है। और यहाँ से जो है इसकी PTO रनिंग करेगी। हमारा जो है देख सकते हैं आप, पैर के क्लच से इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने पैर अब हटा लिए और ये जो है मैं यहाँ से PTO अगर पीछे करूँगा तो ये PTO इस वाले लीवर से PTO चलेगी। अब मैंने PTO इसकी पीछे कर दी, हाथ वाले लीवर से जो है मैं इसके ये लो में कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसका लीवर इसको मैं 1st गियर में कर दूँगा। अब ये यहाँ हैंड थ्रोटल दिया हुआ है इसका और ये लगभग 1000 RPM पर हम इसे चलाऊंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा टॉर्क इंजन दे रहा है, बिल्कुल दोनों लीवर देख सकते हैं नीचे पड़े हुए हैं और ट्रैक्टर बिना दबे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और क्लिप दबाओ ना दबाओ, ये बिना क्लिप दबे में भी जो है इसकी हाइड्रोलिक अप डाउन में काम करती है। ये जो है इसमें फीचर एक बहुत ही अच्छा कंपनी ने दिया हुआ है, यहाँ से जो है ये देख सकते हैं। ये जो
भाई पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, देख सकते हैं कितना अच्छा इसका स्टीयरिंग काम कर रहा है, बहुत शानदार। जैसे आप स्वराज की ड्राइव करते हैं तो इसमें जो है लेफ्ट साइड में आपको एयर मिलेगा, राइट साइड में साइलेंसर मिलेगा, तो ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई भी इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जब ड्राइवर जो है ड्राइविंग करेगा तो उसे बिल्कुल सामने का जो है स्पेस बिल्कुल खाली दिखाई देगा, तो वो बहुत ही सेफ ड्राइविंग करेगा। अन्य ट्रैक्टर जो है उनमें एयर भी इसमें ही है, साइलेंसर भी इसमें ही है, तो एक तरह की अड़चन सी उन्हें महसूस होती है। साथियों इसमें जो है आपको दो टायर के साइज मिलेंगे, एक तो 13-6-28 के टायर और दूसरे जो साइज हैं वो 14-9-28 के टायर का साइज में। और इसमें जो है साइड गियर में मिलता है, ये वाला जो है भाइयों मॉडल अभी साइड गियर में ही है और आगे पता नहीं भविष्य में मैनुअल में भी बीच वाले में भी आ जाए, लेकिन फिलहाल जो है आपके सामने वो साइड गियर का मॉडल है। और भाइयों इसमें सबसे अच्छी मुझे जो बात दिखाई दी, कुल मिला के जो 50 HP की रेंज का ट्रैक्टर है 4x4 में इतनी हैवी कैपेसिटी, इतना हैवी मतलब 4x4 सिस्टम और इतनी कम कीमत में किसी और कंपनी का नहीं है। इसकी जो आज की एक्चुअल कीमत जो पड़ रही है लगभग वो 8.5 लाख के आसपास है। अब नॉर्मल 4x2 अगर 50 HP का ट्रैक्टर खरीदोगे तो उसकी कीमत भी 8.25 लाख से कम कहीं भी नहीं है। तो मान लो 20-25 हज़ार का लालच ना करके आप इतना बड़ा ट्रैक्टर लें, ये जो है 4x4 में आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो 4x4 का ही होगा, ये आप बात याद रखना। क्योंकि जब आप एक टायर से जोर लगाते हैं तो दोनों टायर तो काम नहीं करते, कभी एक करता है कभी दूसरा करता है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के भी लिए कंपनी ने इसमें जो है लॉक दिया है, डिफरेंशियल लॉक देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है। और जैसा हम इसमें जैसा कह देते हैं ना कि दोनों पहियों की चाल एक करने वाला सिस्टम देसी भाषा में, तो वो भी इसमें यहाँ पे आपको मिला। जब आपकी इसकी पिछले टायरों की चाल बनेगी तो वो फिर एक्सल से वो इसकी भी चाल सेम हो जाएगी, तो इसकी कहने का मतलब है इसकी ताकत और चाल और भी डबल आपको मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी नियर अबाउट तो कहीं भी, लेकिन अगर आप हमारे मेरठ क्षेत्र के हैं तो आप ये A2Z सोसाइटी के बिल्कुल बराबर में सुपर टैक पड़ेगी, वहाँ आपको नारायण बैंकट हॉल मिलेगा, कोई भी बता देगा, उसी के बिल्कुल बाजू में आपको वेद एंड सन्स के नाम से स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी मिल जाएगी। चौड़ा रास्ता बिल्कुल मेन रोड से ऐसा कोई 100 मीटर ये सामने हाईवे है, यहाँ पर आपको एजेंसी मिलेगी और यहाँ पर आपको टीलर रूटर 2-3 एम्प्लीमेंट मिलेंगे। अगर किसी भाई के दिमाग में कोई बात हो चलाने का मन कर रहा हो, लेकिन वही भाई इस चीज़ को ट्राई करे कि जिसे लेना हो वो भाई बेमतलब का यहाँ तमस्सा ना करे कि मतलब हम तो चला के मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चलाओ तसल्ली कर लो। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे हमने इसे ग्राउंड क्लियरेंस दे के चेक करा, ट्रैक्टर हर तरह से बढ़िया है। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक करें शेयर करें, और भाइयों जो लोग चैनल पर नए आए हों पेज पर नए आए हों वो फॉलो जरूर करें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।